अपना टॉपिक है आईआर एंड पीआई। आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे आईआर एंड पीआई कैसे मेजर करते हैं, उसका वैल्यू कितना आना चाहिए या फिर कितना वैल्यू आने से उसको मैंने कोई इंसुलेशन मटेरियल को हम लोग बोलेंगे कि वो ठीक है या हेल्दी है, और कितना वैल्यू आने से बोलेंगे कि ये डेंजर कंडीशन है, उसको आइदर रिप्लेस करना है या फिर कोई दूसरा तरीके से उसको चेक करना है, या फिर आईआर पीआई का टेस्टिंग का मेथड हम लोग देखेंगे और ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या क्या होना चाहिए वो सब आज हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड है आईआर एंड पीआई। इट्स ए डायग्नोस्टिक टेस्ट मेथड वेयर वी कैन फाइंड आउट वेदर द इंसुलेशन मटेरियल इज ओके और नॉट। एक बेसिक टेस्टिंग मेथड है। इस बेसिक टेस्टिंग मेथड से हम लोग सिर्फ उसका हेल्थ का सिचुएशन जान पाएंगे, टोटलिटी में वो इंसुलेटर कैसा है वो नहीं जान पाएंगे। ये एक बेसिक कंडीशन मॉनिटरिंग है, ठीक है। यहां पे दिखाया है एक बास सपोर्ट इंसुलेटर है। ये बास सपोर्ट इंसुलेटर का हेल्थ कंडीशन देखने के लिए हम लोग आईआर टेस्टर यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो मार्केट में सबसे ज्यादा अवेलेबल है कंपनी मेगर का है। मेगर का एक आईआर टेस्टर यहाँ पे लगाया है और इसमें चेक करेंगे कैसे यहाँ पे आईआर टेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या वैल्यू आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग को सबसे ज्यादा जानने का जरूरत है वो है आईआर टेस्टर में एक्चुअली होता क्या है। आईआर टेस्टर में होता है एक वोल्टेज इंजेक्ट किया जाता है, कोई भी एक इंसुलेशन मीडियम है, एक इंसुलेशन मीडियम है मान लीजिए, यहाँ पे एक वोल्टेज इंजेक्ट किया जाता है थ्रू सम किट। यहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट किया जाता है और करंट जो फ्लो करता है इस किट के थ्रू हम लोग उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं आर इक्वल्स टू वी बाई आई। ये है एस पर ओम्स लॉ, आर इक्वल्स टू वी बाई आई निकालते हैं। ओके, तो जो वी बाई आई निकालते हैं ये वोल्टेज हम लोग कितना यहाँ से अप्लाई करते हैं, कौन सा वोल्टेज लेवल के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना चाहिए, और जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है वो कौन कौन सा, उसमें कोई पार्ट है कि नहीं, क्या है वो देखेंगे। अच्छा, कोई भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर उससे डीसी वोल्टेज ही इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इट इज नॉट इंसुलेशन इम्पीडेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। तो डीसी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। अब ये एक इंसुलेटर है, ये आर्क के साथ कनेक्टेड रहता है, दिस इज द बस सपोर्ट इंसुलेटर, तो ये आर्क के साथ कनेक्टेड रहेगा तो ऑब्वियसली ये पोर्शन आपका हो जाता है आर्क, ठीक है। यहाँ पे आपका हाई वोल्टेज कोई भी बस बार यहाँ पे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है, कोई भी वोल्टेज लेवल का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी अगर ये इंसुलेशन जो मैं यहाँ प्रोवाइड किया हूँ, किस लिए प्रोवाइड किया हूँ, ताकि यहाँ पे जो बस बार यहाँ पे कनेक्ट करेंगे लीकेज कोई भी करंट टुवर्ड्स आर्क मेरा फ्लो ना हो, यही मेरा मेन मोटो है। अभी इंसुलेशन यहाँ पे जो यूज किया उसका हेल्थ अगर ठीक नहीं रहा तो थ्रू दिस इंसुलेशन पार्ट एक लीकेज करंट फ्लो करेगा टुवर्ड्स आर्क। जैसे ही लीकेज करंट फ्लो करेगा, लीकेज करंट ज्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, हीट जनरेशन होगा। हीट जनरेशन होने से क्या होता है, इंसुलेशन का हेल्थ और भी बिगड़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा टी। टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ने से, अल्फा डेल्टा टी एक्चुअली, जो टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ने से टी टेम्परेचर में रेजिस्टेंस नॉर्मली कॉन्डक्टर का बढ़ता है। सो दिस इज नॉट एन कॉन्डक्टर, ये आपका इंसुलेशन है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है, इसका हेल्थ जो है और खराब हो जाता है। कौन सा पैरामीटर खराब होता है, मतलब इंसुलेशन प्रॉपर्टी खराब हो जाता है। तो उससे ये सब चीज जो है करेंगे, उससे पहले और एक देख लेंगे, वोल्टेज हम लोग जो इंजेक्ट करते हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं। ओके, कोई भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, मैं यहाँ पे एक ड्रॉइंग किया हूं, उसका एल
जी और ई टर्मिनल मेरे पास अवेलेबल रहता है। एल टर्मिनल जो है ये लाइन टर्मिनल, हम लोग इसको जोड़ते हैं यहां पे, जहां पे आपका बस बार कनेक्टेड होता है, जहां पे हाई पोटेंशियल वैल्यू रहता है उस एरिया में हम लोग जोड़ते हैं। ई का वैल्यू, ई वाला पार्ट जोड़ते हैं बेस में, जहां वो आर्क के साथ कनेक्टेड रहता है। अब नॉर्मल ये सिचुएशन में हम लोग ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, बहुत सारा समय में हम लोग ऐसा करके कनेक्ट करके आईआर टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी और भी प्रोसेस है कैसे क्या देखा है वो हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अगर फिलहाल के लिए अगर ऐसा कनेक्ट करके हम लोग टेस्ट, यहाँ पे हैंड ट्रेंड अगर है तो हाथ से घुमाना पड़ता है मेगा का वहां पे हैंडल को, या फिर अगर डिजिटल है तो वहां पे एक पुश बटन रहता है, पुश बटन दबा के हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये वोल्टेज डिफरेंस जो ये टेस्टर प्रोवाइड कर रहा है और जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस पाथ, ये करंट विल बी योर आयर विल बी योर दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्लोइंग करंट। ओके, अभी ये फ्लोइंग करंट में कौन कौन सा पार्ट रहता है? बेसिकली देयर आर फोर पार्ट्स इन दिस फ्लोइंग करंट। वन, कैपेसिटिव पार्ट, सेकेंड कंडक्टिव पार्ट, थर्ड पोलराइजेशन पार्ट, एंड फोर्थ वन इज योर सरफेस लीकेज पार्ट। तो बेसिकली देयर आर फोर पार्ट्स इन दिस फ्लोइंग करंट। क्या क्या है? कैपेसिटिव करंट, अच्छा कैपेसिटिव करंट को हम लोग यहां पे डिनोट करेंगे IC से, कंडक्टिव करंट को करेंगे IR से, पोलराइजेशन करेंगे IP से, और सरफेस लीकेज करंट करेंगे IL से। ठीक है, अभी IC कैसे यहां पे काम करता है? कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो है इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। ये मेरा एकदम हम लोग का जो बेसिक नॉलेज है हम लोग का, उसमें एकदम हम लोग पढ़ के आते हैं कि इट एक्ट एज अ कैपेसिटर कैसे। बीच में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इधर में पोटेंशियल है, इधर में दूसरा पोटेंशियल है, तो बीच में अगर इंसुलेशन पोर्ट दिया है तो इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है, बीच में इंसुलेशन है, इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। फाइन, तो ये कैपेसिटेंस वाला जो करंट जाता है तो ये मैंने कैसे जाता है, कैसे फ्लो करता है उसका, मैंने थ्रू आउट द टेस्ट वो करंट प्रेजेंट रहता है क्या? ना, नहीं रहता है, वो कुछ देर बाद जो है डीके हो जाता है। एक्ट्स लाइक दिस, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्जिंग करंट का कैपेसिटर है वो डीके कर जाता है। ठीक है, तो एक कितना देर में डीके करता है? ये विदिन जो है 10-15 seconds जो है ये डीके कर जाता है। इसलिए जो हम लोग आईआर मेजर करते हैं वो नॉर्मली एक मिनट के लिए करते हैं, ताकि जो है ये आईसी और या फिर जो कैपेसिटी पर जो है ये माइनस हो जाए, तो बचा क्या रहेगा? कॉन्डक्टिव, पोलराइजेशन एंड सरफेस लीकेज। अच्छा, अब आते हैं कॉन्डक्टिव। कॉन्डक्टिव पार्ट जो है ये एक इंसुलेशन है। इंसुलेशन, कोई भी इंसुलेशन हम लोग अगर दुनिया में देखते हैं, देयर आर ऑब्वियसली उसके थ्रू इंसुलेशन के थ्रू कुछ करंट फ्लो करेगा। कोई भी इंसुलेटर प्योर इंसुलेटर नहीं होता है, तो इसलिए ये इंसुलेटर के थ्रू कुछ पार्ट करंट यहां से फ्लो करेगा। ठीक है, अब आते हैं सरफेस लीकेज पार्ट में। सरफेस लीकेज में क्या हो रहा है? अगर ये इंसुलेटर बाहर में है या फिर ऐसा जगह में जहां पर डास्ट आ सकता है, तो डास्ट आके ये सरफेस में यहाँ पे बैठ जाएगा और मॉइस्चर ग्रास कर लेगा, तो यहाँ पे कॉन्डक्टिंग पाथ वो बना देगा। तो ये सरफेस में अगर डास्ट, कॉन्डक्टिंग डास्ट और मॉइस्चर आके बैठ गया, तो थ्रू दिस सरफेस सम करंट फ्लोस टूवर्ड्स अर्थ। ये हो जाता है सरफेस लीकेज करंट।
इसका भी कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, अब आता है पोलराइजेशन कंपोनेंट। पोलराइजेशन कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी इंसुलेशन मटेरियल हो, दे आर मेनली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब एयर से वो मॉइस्चर ग्रास्प करेगा, और मॉइस्चर अगर ग्रास्प करता है, कोई भी मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है, दे आर हाईली पोलराइज मॉलिक्यूल। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल या मॉइस्चर मॉलिक्यूल यहाँ बड़ा हो रहा है, और यहाँ पे एक हम वोल्टेज डिफरेंस ये हुए हैं, तो H2O क्या कैसे पोलराइजेशन होगा? H2O डिवाइड हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस, मतलब आयनाइजेशन हो जाता है। तो आयनाइजेशन हो जाएगा मतलब वो पोलराइज हो गया। अब जैसे पोलराइज हुआ, उसके लिए कुछ करंट चाहिए हमको, जो करंट ये वोल्टेज डिफरेंस हम जो तैयार किए हैं, जितना मेरा करंट उसमें खर्चा हुआ ये पोलराइजेशन के लिए, वो करंट हो जाता है पोलराइजेशन करंट। ये कब तक फिर नॉर्मल हो जाता है, ये कैसा ये काम करता है? नॉर्मली ये इंसुलेटर के अंदर में जितना पोलराइज मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसके थ्रू जब से करंट जैसे फ्लो करेगा, तो पोलराइजेशन जैसे होगा धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका वैल्यू जो है कम होता जाएगा। नॉर्मली विद इन 10 मिनट्स इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, मतलब और पोलराइजेशन करने का जरूरत नहीं है। मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ये टोटल इंसुलेटर में ये वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई कर दिए हैं, तो जितना वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जो पोलराइजेशन हो चुका है H प्लस और OH माइनस, ऐसे पोलराइज होके अलाइन हो जाता है। जब टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसका वैल्यू पोलराइजेशन आई मतलब पोलराइजेशन पार्ट जो है ये जीरो हो जाता है। ओके, तो बेसिकली अगर 10 मिनट तक इसका वैल्यू हम लोग आईआर वैल्यू टेस्ट करेंगे, तो एक मिनट में पहले ये निकल गया और नहीं रहा है, फिर जो है पोलराइजेशन ये 10 मिनट के अंदर निकल जाता है, तो आफ्टर 10 मिनट्स बचा क्या मेरे पास? कंडक्टिव करंट और सरफेस लीकेज करंट, बस यही दोनों मेरे पास बचा हुआ है। तो आफ्टर 10 मिनट्स जो आईआर मिलता है, सिर्फ इन दोनों का वैल्यू मिलता है, मतलब थ्रू दिस इंसुलेटर कितना करंट फ्लो कर रहा है और ये सरफेस लीकेज के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। जो आईआर टेस्टर उस समय जो करंट मेजर करता है, वो इन दोनों का समेशन है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, आईआर करते हैं नॉर्मली क्या, एक मिनट के लिए हम लोग आईआर टेस्ट करते हैं। ठीक है, आईआर टेस्ट में जो वैल्यू आया वो इंसुलेशन का बहुत बेसिक हेल्थ कैटेगरी वो आपको दिखाएगा। एक मिनट का वैल्यू जो आएगा, कितना वैल्यू होने से हम बोलेंगे ये सेटिस्फैक्टरी है या फिर कोई फॉल्ट है इस इंसुलेटर के अंदर। जितना केवी लेवल का ये सिस्टम में मैं इंसुलेटर लगाया हूं, से इफ इट इज 33 केवी, तो आईआर वैल्यू मिनिमम कितना आना चाहिए? केवी लेवल प्लस 1, दैट शुड बी योर आईआर मीन। मिनिमम वैल्यू आईआर मस्ट बी द केवी लेवल प्लस 1। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग का क्या वैल्यू आएगा? 33 प्लस 1, ये कौन सा में मेगा ओम में आएगा कि गीगा ओम में आएगा? नहीं, दिस आर ऑल इन मेगा ओम। 34 मेगा ओम मिनिमम होना चाहिए मेरा 33 के सिस्टम के लिए। अगर 6.6 के सिस्टम है, तो 6.6 के सिस्टम में 6.6 प्लस 1, दैट विल बी योर 7.6 मेगा ओम। ओके, तो कोई भी हाई वोल्टेज सिस्टम मेरा है, जितना वैल्यू है प्लस 1, दैट विल बी योर मिनिमम एक्सेप्टेंस वैल्यू ऑफ योर आईआर। अभी आईआर का वैल्यू जितना हम लोग बोले, अभी एवी का सिस्टम मान लीजिए 415 वोल्ट सिस्टम है, उसमें हम लोग कितना आईआर आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे? नॉर्मली 415 वोल्ट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज ए 1.1 के सिस्टम। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ 1.1 प्लस 1, दैट इज 2.1 मेगा ओम आने से मेरा कोई भी एवी सिस्टम में इंसुलेटर लगा हुआ है वो बोल पाएंगे बेसिकली इट इज हेल्दी। ओके, अच्छा ये तो हो गया आईआर का पार्ट। अब पीआई का पार्ट, हम पहले ही बोल दिए थे
पी आई इक्वल्स टू आई आर एट 10 मिनट डिवाइडेड बाय आई आर एट 1 मिनट, मतलब 10 मिनट का जो वैल्यू है और नीचे में 1 मिनट का वैल्यू ऐसे डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा, ये एक इंडेक्स है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट्स अ इंडेक्स ऑफ द इंसुलेटर। क्या इंडेक्स है? जो पोलराइजेशन मेरा हो चुका है उसके बाद ये दोनों पार्ट में जितना वैल्यू मेरा जा रहा है वो मेरा इंडेक्स क्या दिखाता है, इसका वैल्यू किस टाइप का आएगा। देखिए, पहले एक मिनट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव करंट चला गया था, अब 10 मिनट तक जो है ये तीनों करंट मेरा फ्लो कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में अप टू 10 मिनट ये पोलराइजेशन करंट मेरा अगर कम हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लोइंग ये टेस्टर से भी कम हो जाएगा, जैसे कम हो जाएगा तो आईआर का वैल्यू बढ़ जाएगा। यही अपना मोटो है, वो देखना है कि कैसे, मतलब वैल्यू कितना कम हुआ है या फिर उससे ज्यादा हुआ है। नॉर्मली 10 मिनट में आईआर का वैल्यू ज्यादा आता है, तो कितना ज्यादा आने से ठीक रहेगा, जो 1 मिनट में मेरा वैल्यू था उससे कितना गुना ज्यादा आने से ठीक रहेगा। नॉर्मली बोला जाता है इफ द वैल्यू इज If the value is greater than 1.5, अगर 1 मिनट का जो वैल्यू आया था आईआर उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा हुआ है 10 मिनट में, ये एक्सेप्टेबल है, बट हम लोगों को फिर भी मॉनिटर में मॉनिटरिंग करते हुए रखना पड़ेगा ये इंसुलेटर को बार बार, ठीक है। अगर इसका वैल्यू जो है 2 से ऊपर आया, मतलब अगर 1 मिनट में आया था 34 मेगा ओम और 10 मिनट में 68 मेगा ओम, तो ऑब्वियसली 68 बाय 34 दैट विल बी अ 2, तो पीआई का वैल्यू अगर 2 आया है तो हम बहुत अच्छा बोलते हैं ये इंसुलेशन का प्रॉपर्टी को। तो ये बेसिकली एन इंडेक्स, क्या इंडेक्स करता है कि पोलराइजेशन करंट जो है मेरा कम हो गया किस रेंज में। अभी अगर देखते हैं कि 10 मिनट बाद भी ये करंट मेरा कम नहीं हुआ, मतलब 10 मिनट बाद तो पोलराइजेशन करंट तो रहेगा नहीं, उस समय क्या रह रहा है, कॉन्डक्टिव और सरफेस लिपिड, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्डक्टिव और सरफेस लिपिड करंट आपका ज्यादा है। अगर 10 मिनट के बाद भी 1 से 1.5 के बीच में आपका पीआई रह रहा है, उसका इंडिकेशन है कॉन्डक्टिव और सरफेस लिपिड करंट ज्यादा है, तो उस समय में कैसे देख पाएंगे कि भाई सरफेस लिपिड करंट से ही मेरा बेसिकली ये चीजें गड़बड़ है कि जा रहा है, या फिर जो है कॉन्डक्टिव करंट मतलब इंसुलेशन मेटीरियल मेरा खराब हो गया, कैसे देख करेंगे। उसके लिए कोई भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर में एक थर्ड टर्मिनल दिया हुआ रहता है, दैट इज योर गार्ड टर्मिनल। ये गार्ड टर्मिनल क्या करता है, बेसिकली सरफेस लीकेज पार्ट को वो माइनस कर देता है। तो एक अगर ऐसे यहां पे मेरा इंसुलेटर है तो यहाँ पे सरफेस के थ्रू जितना करंट जा रहा है, अगर ये टेस्टर को मालूम चल गया तो एक्चुअल में इंसुलेशन का हेल्प जो है अपने जो कॉन्डक्टिव करंट है उसको मिल जाएगा। तो एक ऐसा इंसुलेटर में कैसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली ऐसे लेके आते हैं और इधर में एक कॉन्डक्टर यहाँ पे अच्छे से रैप कर देते हैं, उस कॉन्डक्टर में जाके ये कनेक्शन जोड़ देते हैं, तो सरफेस के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है वो गार्ड टर्मिनल में आ गया। जैसे गार्ड टर्मिनल में आ गया तो आईआर का वैल्यू हमेशा बढ़ जाता है, अगर हमेशा उस समय में नहीं बढ़ा तो इसका मतलब जो है ये आपका इंसुलेशन का जो मटेरियल है उसका हालत खराब है, आपको ये इंसुलेशन चेंज करना जरूरी है। अभी ये सरफेस लीकेज करंट अगर ज्यादा आ रहा है टेस्टिंग करते समय हम लोग देख लिए, तो कैसे इसको कम किया जाए, कुछ नहीं, सारा सेट को हटा के यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीन करना है सरफेस को, कपड़े से कोई क्लॉथ ले लीजिए उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए तो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा आ जाएगा। तो ये बेसिक था आईआर एंड पीआई का। अच्छा, अभी अगर केबल के लिए आईआर पीआई टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, नॉर्मली उससे जो लाइन टर्मिनल है, लाइन टर्मिनल को हम लोग आके डायरेक्ट कॉन्डक्टर में जोड़ देते हैं, ओके? अच्छा, आर्थ टर्मिनल जोड़ते हैं
आर्मर से, यहाँ पे आर्मर रहता है, यहाँ पे आर्मर के नीचे में एक आपका पीवीसी शूट रहता है, उसके जस्ट नीचे में देखिएगा, यहाँ पे ऐसा करके क्रॉस करके मैं दिखाया हूँ, दिस इज नथिंग बट द कॉपर स्क्रीनिंग। तो ये कॉपर स्क्रीन के साथ अगर ये गार्ड टर्मिनल जोड़ दिया जाए तब जो है आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा कि ये जो XLPE वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसका इंसुलेशन का हेल्थ कैसा है, सरफेस लीकेज में कितना करंट जा रहा है वो हम लोग देख लेंगे, और जितना करंट आर्मर के थ्रू पास कर रहा है टुवर्ड्स ई टर्मिनल उसके साथ ये माइनस कर देने से एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंसुलेशन मिल जाए। तो ये था अपना IRPI का बेसिक कुछ स्ट्रक्चर, कैसे IRPI हम लोग टेस्ट करते हैं, कैसे IRPI का वैल्यू आने से कौन सा हेल्दी कंडीशन बोल सकते हैं या अनहेल्दी बोल सकते हैं, ये था एकदम बेसिक चीज है। अब आते हैं कितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे IR टेस्टिंग के समय में। अगर रेटेड वोल्टेज है 415 वोल्ट, मान लीजिए कोई भी एक इंसुलेटर लगा हुआ है जिसका रेटेड वोल्टेज है 415 वोल्ट, तो वहां पर हम लोग 500 वोल्ट हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं डीवी, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग। 6.6 केवी का अगर सिस्टम है तो वहां पर 2.5 केवी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एज पर स्टैंडर्ड। 11 केवी का अगर सिस्टम है, दैट इज रेटेड वोल्टेज इज 11 केवी, तो वहां पर 5 केवी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 33 केवी एंड अबव उसके लिए 5 केवी या फिर 15 केवी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये दिखाता है कि वोल्टेज सिलेक्शन का शायद कोई जगह है, यस ऑब्वियसली इट्स देयर। कोई भी डिजिटल आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर में ऐसा नॉब रहता है, इसको घुमा के सिलेक्ट करने के लिए 500 वोल्ट, 1 केवी, 2.5 केवी, 5 केवी, 10 केवी, 15 केवी, ऐसा करके सिलेक्शन रहता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी ये वोल्टेज सिलेक्शन हम कर सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें है, 6.6 केवी के लिए क्यों 2.5 केवी हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग अगर मान लीजिए 6.6 केवी सिस्टम है तो नॉर्मली हम लोग इंसुलेशन का वैल्यू चेक करते हैं, क्या करते हैं, फेस टू आर्क या फिर जहां पे टर्मिनल है वहां से आर्क के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो कोई भी सिस्टम में जो नॉर्मल वोल्टेज जो फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज या फेस टू आर्क वोल्टेज होता है उसका वैल्यू कितना है, इसका डिवाइडेड बाय इतना जो वैल्यू आएगा, आएगा 3 point something, तो वो वैल्यू जो है आपका अगर इतना वैल्यू हमको अप्लाई करना, दिस इज योर रेटेड वोल्टेज फॉर फेस टू आर्क वोल्टेज। अभी यहाँ पे अगर 2.5 के यहाँ पे हम अगर 5 के भी अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाए, उसका वोल्टेज से ओवर वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इंसुलेशन के ऊपर। मतलब हम एक इंसुलेटर के ऊपर ओवर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हाई वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है, वहां पे हाई वोल्टेज टेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोई भी 6.6 केवी में 2.5 केवी सिलेक्शन ही लेते हैं। अब आते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर पर, अगर ट्रांसफार्मर पर हमको IR टेस्ट करना है और PI टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। IR टेस्ट PI टेस्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल यहां पे दिखाया हूं, ये ट्रांसफार्मर है, इसका रेटेड वोल्टेज है 33 केवी, दैट इज योर एजी साइड, एंड 6.6 केवी, दैट इज योर एलडी साइड, ये हो गया इसका रेटेड वोल्टेज। तो यहां पे अगर करेंगे तो यहां पे कनेक्शन कैसे करेंगे थ्रू दिस मेगा, एल वाला टर्मिनल हम लगाएंगे यहां पे, ओके, और आर्क को ग्राउंड करेंगे, ओके, यहाँ पे इस टाइप का कनेक्शन करने से, गार्ड वाला टर्मिनल मैं फिलहाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ, जस्ट बेसिक चीजें मैं दिखा रहा हूँ, हमको फेस टू आर्क दिखाना है, ये इंसुलेशन, इसका जो इंसुलेशन दिया हुआ है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर में वो उसका वैल्यू कितना है, मतलब इंसुलेशन का हेल्थ कैसा है, वो चेक करने के लिए कोई भी टर्मिनल में हम लोग एल वाला कनेक्शन करेंगे, ई वाला कनेक्शन हमको ग्राउंड करना है। इसमें और एक चीज है, ये सिर्फ हो गया फेस टू आर्क, हम लोग क्या ट्रांसफार्मर का फेस टू फेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेस्टिंग का नाम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, ये कोई भी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम आता है। अगर हम ये टर्मिनल उठा के, आठ वाला टर्मिनल उठा के यहां पे जोड़ देंगे तो बीच में क्या मिलेगा, ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ट्रांसफार्मर का बहुत ही कम आता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो वो होने से क्या होगा,
जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट मेरा ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करंट जैसे करेगा तो यहाँ पे आइदर ये जीरो में दिखाएगा जो एनालॉग वाला है, या फिर जो डिजिटल वाला है वो किट जो है मेरा ट्रिप कर जाएगा, मतलब इतना करंट ये फ्लो नहीं करवा सकता। और ये आयर का प्रोसेस नहीं है, नॉर्मली इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग कोई भी ट्रांसफॉर्मर के लिए करेंगे तो फेस टू अर्थ। अभी मान लेते हैं ये तो 33 केवी सिस्टम में अगर डेल्टा कनेक्शन है इस टाइप का करेंगे, अगर मेरा स्टार कनेक्टेड 6.6 केवी सिस्टम है जैसे कि मैं यहां पे दिखा है, इसके लिए कैसे कनेक्शन करेंगे? इसके लिए एल वाला टर्मिनल ले जाके कोई भी फेस में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था ये 8 वाला टर्मिनल हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे, तो मेरा वैल्यू क्या सही आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं देखिए ये 8 के बीच में ये फेस वाला पोर्शन यहाँ पे लगा हुआ है और ये टोटल पाथ के बीच में देखिए ये कनेक्टेड है थ्रू दिस न्यूट्रल कनेक्शन। जब यहाँ पे वाइंडिंग आपका कनेक्टेड है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो पाथ में सिर्फ और सिर्फ जो है ये रेजिस्टेंस हमको मिल जा रहा है, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिखाएगा। तब क्या होगा? आपका किट फिर से ट्रिप कर जाएगा या फिर जो है जीरो दिखाता रहेगा। तो ऐसा कंडीशन में हमको करना क्या होता है, न्यूट्रल वाला टर्मिनल हमको ओपन कर देना पड़ता है। न्यूट्रल वाला टर्मिनल ओपन कर देने से देखिए ये पाथ ओपन हो गया, तो क्या होगा, इसका अंदर में जो इंसुलेशन मटेरियल दिया हुआ है टैंक के अंदर में उसका और 8 के रेस्पेक्ट में जो आईआर वैल्यू है वो ही हमको दिखाएगा। इसलिए कोई भी स्टार कनेक्टेड सिस्टम में अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो हमको वो ओपन करना जरूरी है, मतलब यहाँ पे एनजीआर कनेक्टेड है तो हमको ऐसे स्विच को इसको ओपन कर देना पड़ेगा, अगर स्विच ओपन नहीं करेंगे तो वैल्यू मेरा आएगा नहीं। तो ये था ट्रांसफॉर्मर का टेस्टिंग। अब आते हैं मोटर का टेस्टिंग, मोटर का आईआर टेस्टिंग करेंगे। नॉर्मली छोटा मोटा मोटर में ऐसे 6 टर्मिनल्स हम लोग का दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर बड़ा मोटर्स में जाएंगे तो वहाँ पे 3 टर्मिनल्स दिया हुआ रहता है, मतलब ट्रांसलेटर मोटर जो है आपका बेसिकली ऐसे स्टार कनेक्टेड बन जाता है, अंदर में वहाँ पे ऐसे स्टार कनेक्शन करता है, कभी कभी अंदर में कर देता है या फिर कभी बाहर में रखता है, मतलब एक दूसरा टर्मिनल बॉक्स रहता है जहाँ पे ये तीनों टर्मिनल शॉर्ट किया जाता है थ्रू सम सीटी। ये सीटी का क्या वैल्यू है, सीटी का क्या कमीशन है, ये सीटी के थ्रू जो है हम लोग ये लेते हैं। सॉरी ये सीटी के थ्रू हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, इसलिए एक सीटी रहता है, फिर जो है यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करते हैं, इस टाइप का कनेक्शन हो जाता है। तो अगर इसी टाइप का कनेक्शन मेरा रहा तो उस समय में मैं ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग के बीच में हम आईआर टेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर इसको हम ओपन कर देंगे तो ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे एल वाला टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ई वाला टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो बोल पाएंगे वाइंडिंग टू वाइंडिंग कितना आईआर वैल्यू मेरा दिया हुआ है। तो ये करने से हम वाइंडिंग टू वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनली ऐसे शॉर्ट सर्किटेड है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे फेस टू आर्थ यहाँ पे एल कनेक्ट करेंगे और आर्थ वाला टर्मिनल, ये आर्थ वाला टर्मिनल ऐसे ग्राउंड में लगा देंगे, करके हम लोग मोटर का टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉडी अर्थिंग दिया हुआ रहता है, नॉर्मली ये ई वाला टर्मिनल यहाँ पे जाके हम लोग कनेक्ट कर देते हैं या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आपको आर्थ टर्मिनल दिया हुआ रहेगा, और एल वाला टर्मिनल हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सिर्फ मोटर का हम लोग आईआर टेस्ट कर देते हैं। अभी आते हैं 6.6 के भी केबल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 3-कोर केबल है, दोनों साइड से मेरा केबल ओपन है, तो फेस ये इसके आर वाई की दोनों फेस में फेस टू आर्थ ये आईआर भी चेक कर सकते हैं और फेस टू फेस ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कोर जो है अंदर में, ये केबल के अंदर में दे आर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेशन, तो हमको फेस टू फेस भी चेक कर सकते हैं। तो मतलब फेस टू आर्थ और फेस टू फेस ये दोनों ही अगर कोई 3-कोर केबल है उसके लिए एप्लीकेबल है, या फिर सिंगल कोर केबल है तो सेपरेट इंसुलेशन है, हमको उतना ज्यादा देखने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर करना चाहें तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो यहाँ फेज में एक एल जोड़ देते हैं और ई वाला जो टर्मिनल है कोई भी दूसरा फेज में हम लोग जोड़ सकते हैं।
सो ये था बेसिकली कितना होल्ड हम लोग अप्लाई करेंगे और जो जो अपना पास एप्लीकेबल इक्विपमेंट्स है उसका क्या क्या टेस्टिंग का प्रोसीजर रहेगा और क्या चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा वो चीज हम बेसिकली बोलेंगे। अब आते हैं एक सेफ्टी फीचर में, क्योंकि आईआर टेस्ट करते समय में हम लोग जब डीसी वोल्टेज दे रहे हैं, कुछ देर पहले मैं बोला था कि कोई भी इंसुलेशन एक्स एज ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। हम लोग पढ़े भी हुए किताब में आप देख सकते हैं, तो वो केबल में मैक्सिमम हम लोग का ये ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि अगर लंबा केबल हुआ तो कैपेसिटेंस वैल्यू भी आपका काफी हाई रहेगा, उस हिसाब से आपका चार्ज जो चार्ज वहां पे आपका केबल में रह जाएगा। अगर एक बार आईआर टेस्ट कर लिए हैं तो जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे कोई ह्यूमन बॉडी वगैरह टच किया तो उसको शॉक लग सकता है। इसीलिए कोई भी सिस्टम, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो या केबल हो, अगर कभी भी हम लोग आईआर टेस्ट करते हैं या पीआई टेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसको डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है। ये एकदम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ता है। तो ये था अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ आईआर एंड पीआई से हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इंसुलेशन सही है या गलत है, इसके साथ साथ और क्या देखना पड़ता है। हम लोग इसको कोई भी इंसुलेशन को हम लोग हाइपोट टेस्ट कर सकते हैं या हाई पोटेंशियल टेस्ट कर सकते हैं, और उसमें क्या वैल्यू आएगा वो वैल्यू से हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कोई भी इंसुलेशन मटेरियल का हम लोग टेंडेंट का टेस्ट करते हैं, तो वो टेंडेंट का टेस्ट में क्या क्या वैल्यू आने से ठीक रहता है, कितना आना चाहिए, टेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीजें जो है अगला एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।